आपको देहात से बड़ी खबर बता देती है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कानपुर देहात में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टैंकर ने 3 साल के मासूम को कुचला है। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से। और खबर आपको, ग्रामीणों ने रायपुर में प्रदर्शन किया है। सूचना पर पहुंचे प्रशासन पुलिस के आला अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं। ग्रामीणों को प्रशासन ने समझा कर शांत कराया है। अकबरपुर कोतवाली के रायपुर गोगुबाऊ की पूरी घटना है, जहां पर एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। कानपुर देहात में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टैंकर ने 3 साल की मासूम को कुचल दिया है और इस मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहित, 3 साल की बच्ची को कुचला गया है, उसकी मौत हो गई है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, फिलहाल की स्थिति क्या है वहां पर? जी, आपको ऋषा बता देना चाहता हूँ, पूरा मामला जो है अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र रायपुर कस्बे का है, जहाँ पर तेज रफ्तार जो एसपीसी कंपनी है उसका यह टैंकर था, जो ये बच्चा जो था रोड क्रॉस कर रहा था, उसको लेकर के ये जो टैंकर था ये वहां से निकल रहा था रफ्तार में, उस बच्चे को रौंद दिया, वहां उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद में परिजनों ने गुस्सा करके रोड को जाम लगा दिया। एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे, उसको समझा बुझा करके जाम को खुलवा दिया गया। लेकिन जो ये गाइडलाइंस थी वहाँ की पुलिस प्रशासन की लापरवाही एक उजागर हुई है। वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया, आज के 1 साल पहले भी इसी इन्हीं टैंकर जो एसपीसीएल के टैंकर, उन्होंने 3 बच्चों को एक साथ रोंदा था, तो उस वहाँ पर एक गाइडलाइन लगाई कि टाइम के 9 बजे जो इनकी टाइमिंग थी उसके बाद ही गाड़ी प्रवेश करेंगे। लेकिन पुलिस की जो लापरवाही उजागर हुई है, गाड़ियां टाइम से पहले वहाँ पर प्रवेश करती, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। अगर टाइम फिक्स कर दिया गया था तो गाड़ी ने क्यों प्रवेश किया, आखिर टैंकर कैसे गया अंदर? जी ऋचा, आपको बता दें, बोर्ड जो है बोर्ड लगाया गया है, लेकिन जो एसपीसीएल के टैंकर हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाहियां करते हैं। उस बोर्ड का जो लगा हुआ उसमें टाइम लिखा, उसका नियम का पालन नहीं करते हैं, और पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर। अगर पुलिस वहां मौके पर होती तो शायद वो टैंकर वहां प्रवेश नहीं करता। आपने सही कहा मोहित, अगर पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद होती शायद तो ये हादसा नहीं होता, एक बच्चे की जान नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से, जहां पर टैंकर ने 3 साल के मासूम को कुचल दिया है, जिस कारण मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है।